SC ST एक्ट को कमजोर किए जाने का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब विरोध के सुर नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ इंडिया तक पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ शनिवार 21 अप्रैल को चेन्नई में बहुजनों ने रेल रोको आंदोलन के जरिए अपना विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियां जमीनी स्तर पर इस मुद्दे पर एक साथ आ गई हैं। हम SC ST एक्ट को कमजोर करने के सख्त खिलाफ हैं। इससे पहले DMK पार्टी ने अन्य विपक्षी दलों के साथ मिलकर 16 अप्रैल को विरोध प्रदर्शन किया था। DMK नेता स्टालिन ने केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट में अपील दर्ज करने और इस एक्ट को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। आपको बता दें कि 20 मार्च को SC ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है, जिसके बाद 2 अप्रैल को बहुजन संगठनों की ओर से भारत बंद किया गया था। लेकिन सरकार इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठा सकी है, जिसके कारण बहुजनों में मोदी सरकार और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ बेहद आक्रोश नजर आ रहा है। तो सवाल यही है कि देश भर में इस फैसले के विरोध के बाद भी